डियर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस एजुकेशन फ़ॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर यंग लर्नर्स हम बात कर रहे थे आउटपुट की हमने प्रोसेस को भी देखा मुख्तलिफ मुमालिक ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से एक्शन लिए उनको भी हमने देखा अब हम एक और चीज को चेक करना चाह रहे हैं और वो क्या है कि हमारा प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस हमारी आउटकम कितनी बेहतर है अब जब एजुकेशनल प्रोसेस की आउटकम क्या है एजुकेशनल प्रोसेस की आउटकम जो है वो लर्नर है हमने अपने सिलेबस में जो दावा किया कि हम इन बच्चों में ये वैल्यूज़ ये हैबिट्स ये एटीट्यूड्स ये चीज़ें हम इनके अंदर डेवलप कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये तमाम इसके अंदर डेवलप हुई हैं या नहीं हुई हमने जो करिकुलम बनाया और करिकुलम के अंदर जो है ना हमने कॉग्निशन की भी बात की हमने क्रिटिकल थिंकिंग की भी बात की हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की भी बात की हमने वैल्यूज की भी बात की हमने स्किल्स की भी बात की और वो स्किल्स जो फ्यूचर में बच्चे की नीड है हमने कहा कि ये वाली चीज़ें हमने उनको पढ़ा दी हैं ये डेवलप कर दी हैं हमें पॉलिसी की सूरत में करिकुलम की सूरत में प्रोसेस की सूरत में हमने मॉनिटर कर लिया अब आउटकम की सूरत में हमें जो देखना है तो हमें इवेलुएट करना है यंग लर्नर को पहली बात कि हमने किसको इवेलुएट करना है हमने शेयर द वैल्यूज़ को इवेलुएट करना है देखें जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं और वैल्यूज़ जो कि रिलीजन से ड्राइव होती हैं तो आम तौर पर उनमें तो इतना ज़्यादा कंट्राडिक्शन पाया नहीं जाता क्योंकि रिलीजन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है गुड और बैड का वो तमाम जगह पे एक जैसे ही है लेकिन जहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑफ गुड और बैड जो है उनमें वेरिएशन हो सकती है हमने बात की थी कि आज का जो हमारा बच्चा है एक तरफ तो वो इस मुल्क का हिस्सा है दूसरी तरफ वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर है आप देखें जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर की बात करते हैं तो उस मेंबर के हवाले से उसको उन तमाम वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो ग्लोबल वैल्यूज़ है हमने इसको भी चेक करना है फिर हमने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर हमने अपने प्रोसेस के अंदर हमने कहा था कि बच्चों के अंदर रोट लर्निंग से थोड़ा सा डेविएट करें और क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाए हमने पांच साल दस साल आठ साल बारह साल हमने उसके ऊपर काम किया अब यंग लर्नर्स को इवेलुएट करने की जरूरत है कि क्या उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई क्या उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स उन्होंने लर्न की अगर तो उन्होंने लर्न कर ली है अगर आज का यंग लर्नर जो है वो क्रिटिकल थिंकर बन गया है अगर आज का यंग लर्नर जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत मौजूद है तो इसका मतलब है कि जो हमने पॉलिसी बनाई फिर जो करिकुलम बनाया और फिर जो हमने प्रोसेस किया उसकी जो आउटपुट है वो अप्रोप्रिएट है अगर हमारी आउटपुट अप्रोप्रिएट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से तो हम ठीक हैं प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम हुई है और उस प्रोसेस में प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं उसकी आउटपुट जो है आउटकम जो है वो डेविएट हो गई है यानी जो आउटकम हम क्लेम कर रहे थे विद रेफरेंस टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम वो आउटपुट लेने में कामयाब नहीं हो सके और अगर हमारा प्रोसेस ठीक हुआ है तो इसका मतलब है कि यंग लर्नर की सूरत में हम वो आउटपुट लेने में कामयाब हो गए हैं